आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम प्रॉपर सेटअप मिलने वाला है, मतलब जिनके पास यहाँ पे लैपटॉप पीसी कुछ भी नहीं था उनको यहाँ पे सारी चीजें मिलने वाली है विद यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 55,000 प्लस मिलने वाली है पर मंथ की। और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलने वाले हैं, अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हो उसका भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा पेआउट मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको जो बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो आई थिंक अब आप यहाँ पे इतने सारे अलाउंसेस सुनने के बाद यहाँ पे इस जॉब में इंटरेस्टेड हो गए होगे और जानना चाह रहे होगे कि कौन सी यहाँ पे जॉब होने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी इनसाइड सेल्स की यहाँ पे जॉब होने वाली है, जिसके अंदर आप यहाँ पे जितना पैसा चाहो उतना कमा सकते, क्योंकि यहाँ पे सेल्स यहाँ पे एक ऐसा प्रोफेशन बचता है जिसमें आप जितना चाहो खुद से उतना पैसा यहाँ पे अर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं वीडियो में आगे, तो चलिए डायरेक्ट यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इनसाइड सेल्स एसोसिएट इंडिया यहाँ पे आपकी जॉब होने वाली है, ठीक है। रिमोट प्रोफाइल है, मीन्स यहाँ पे कोई भी कहीं से बिलोंग करता है वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम सेटअप मिलने वाला है और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी और घर से यहाँ पे आपको सारा काम करना है। और अब एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए फॉर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। सो सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो रिटन में और स्पोकन में दोनों में अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। इसके अलावा यहाँ पे एक दिया हुआ है एक्सपीरियंस का, तो इससे कोई भी घबराना मत। बट इन्होंने सेकंड लाइन में ये भी लिखा है दोस्त जो फ्रेशर्स हैं और यहाँ पे सेल्स में काम करना चाहते हैं और लर्निंग कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है वो यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो ऐसे कैंडिडेट्स को ये हायर करते हैं। सो यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे एक दो साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, जितनी भी फ्रेशर्स हैं यहाँ पे वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MBA BBA कुछ इस तरीके का करा हुआ है तो यहाँ पे आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सेस IT सेल्स एक्सपीरियंस कुछ आपके पास है तो आप उसको करवा सकते हैं, सो आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। गॉट दैट न्यूट्रल एक्सेंट फॉर स्मूथ टॉकिंग विद अमेरिकन क्लाइंट्स ऑसम, मतलब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे आप जो इंग्लिश बोलते हो उसमें आपका थोड़ा सा अमेरिकन टच होना चाहिए, अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका जितना भी क्लाइंट बेस्ड है वो अमेरिकन बेस्ड ही है। सो इसके अलावा नेक्स्ट आप पॉइंट की बात करते हैं, लव टिंकरिंग विद CRM सॉफ्टवेयर लाइक सेल्स फॉर और फ्रेश सेल्स, योर स्पीकिंग आर लैंग्वेज ऑलरेडी। सो इनका जो CRM कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होता है सेल्स फॉर फ्रेश सेल्स की तरह, मतलब एक कंपनीज हैं उनकी तरह इनके सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। अगर आपको वो पहले से चलाने आते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या काम होने वाला है। इसके अलावा फैमिलियर विद द सेल्स एंगेजमेंट टूल्स लाइक आउटरीच, रिप्लाई IO, बोनस पॉइंट्स, ये सब आपके लिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें आते हैं तो ये सारे आपके बोनस पॉइंट्स होने वाले हैं, मतलब आप जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा करीब होने वाले हो। अब जिसको ये सारी चीज़ें नहीं पता ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अगर आप थोड़ा सा जाके रिसर्च करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो जिससे यहाँ पे आपको जो जॉब मिलने में ना थोड़ा सा यहाँ पे आपको ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ योर सुपर पावर, मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कराओगे। प्रोएक्टिव, यू आर ऑल अबाउट टू मेकिंग थिंग्स हैपन, नो एक्सक्यूजेस, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है, कोई यहाँ पे आपको एक्सक्यूज नहीं देना। गोल ओरिएंटेड, यू आर इनक्रेडिबली एम्बिशियस, प्रॉब्लम नॉट देयर जस्ट अपॉर्चुनिटीज वेटिंग टू बी कॉन्क्वर्ड, मतलब यहाँ पे आप गोल ओरिएंटेड पर्सन होने चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए अपने वर्क को लेके, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको यहाँ पे उनको खुद टैकल करना, कोई भी यहाँ पे एक्सक्यूज वगैरह नहीं देने। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ओपन टू चेंज, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड इम्प्रूविंग, दैट्स योर जैम, मीन्स यहाँ पे आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप जॉब में करते करते कर रहे हो तो यहाँ पे एक ब्रेड, जैसे कि एक बोलते हैं कि ब्रेड और जैम का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, तो जैम वाला पार्ट यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक है। सुपर अटेंटिव टू डिटेल, नेक्स्ट पॉइंट है इनका, स्पॉटिंग मिस्टेक्स बिफोर दे इवन हैपन, कंसिडर इट डन, मतलब आप गलती होने से पहले उसको पकड़ लो, और यहाँ पे अगर कोई आपका सीनियर वगैरह उसको देखे और आपको सुनाए उससे पहले अगर आप उस चीज़ को कर लेते हो तो वो आपके लिए बहुत बेटर चीज़ें होने वाली हैं। अब नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें तो होगी जो चीज़ें आप करोगे, जो चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। अब इनके पर्क्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। सबसे पहले मंथली बेसिस में आपको बता दूँ $700 यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, और $1 यहाँ पे इस टाइम पे 85 रुपीज़ का चल रहा है। आप मान लीजिए 82 से उसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। 82 को अगर आप 700 से इंटू करते हो तो यहाँ पे आपकी जो पर मंथ की सैलरी पहुँच जाएगी वो ऑलमोस्ट 57,000 के आसपास पहुँच जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा पे आउट है फ्रेश कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर नाइट शिफ्ट भी करते हो तो नाइट शिफ्ट के अलाउंसेज अलग मिलेंगे, और नाइट शिफ्ट के अलाउंसेज जो होते हैं वो आपकी डे शिफ्ट से बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट यहाँ पे 67,000 तक यहाँ पे जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस देखने को मिलेगा, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज आप काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हो, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड लॉट रैपिडली, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
वर्किंग विद अ टैलेंटेड एंड एसेंट्रिक टीम डेडिकेटेड टू अ बिल्डिंग बिजनेस टुगेदर। मतलब यहाँ पे आपको टीम मिलेगी जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे और उनके साथ काम करके यहाँ पे आप एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे आपको टीम मिलेगी। तो इस तरीके के यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे अगर आप एबिस में ज्वाइन होते हो। बस अगर आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताई अगर आपको उनकी नॉलेज भी नहीं है तो उन पे थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, उन चीज़ों को अपने रिज्यूमे में इन्फ्यूज़ कर लेना और यहाँ पे तब जाके उसके लिए अप्लाई करना, ठीक है। लोकेशन है, आर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है और सेटअप यहाँ पे आपको देंगे, ठीक है। 8 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे इनकी शिफ्ट होने वाली है और 5:30 बजे से शाम को रात के 2:30 बजे तक यहाँ पे शिफ्ट होने वाली है। तो इस तरीके की इन शिफ्ट्स में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ पे किस तरीके से इसको काम किस शिफ्ट में आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई करने के लिए अपना नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी चीज़ें रिज्यूमे अपलोड करना है। लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी मस्ट होनी चाहिए, नहीं है तो बना लेना और अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना। प्रॉपर प्रोफेशनल यहाँ पे DPI वगैरह अपने अटैच करना। इसके अलावा यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर उसी को फिल कर देते हैं। सो आप यहाँ पे खुद से उन क्वेश्चंस के आंसर देना, जो आप सोचते हो, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका माइंड है, उस तरीके से सब क्वेश्चंस का आंसर देना, देन सब फॉर्म को सबमिट कर देना। अगर यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से शेयर जरूर करना ताकि हर कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुंच पाए। एंड गाइस, मैं आप सब लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग जॉब अपडेट्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।